हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स के विषय में विस्तार से बताऊंगा। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स का नाम जापान के लोगों ने दो काली मोमबत्तियों के ऊपर रखा है। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स बेयरिश कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी के ट्रेंड को बने रहने का संकेत प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि नीचे जाने वाला ट्रेंड अभी और नीचे जाएगा, अभी ऊपर आने के आसार नहीं है, या जो मंदी का ट्रेंड अभी चल रहा है उसकी रफ्तार और तेज होने वाली है। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती है, यह लाल रंग की होती है। दूसरी कैंडल भी लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती है, यह भी लाल रंग की होती हैं। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा मंदी के ट्रेंड में आने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि ट्रेंड के बने रहने का, या कहें कि कंटिन्यू रहने का संकेत देता है। कंफर्मेशन मिलने के बाद हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या नई बिकवाली कर सकते हैं। कंफर्मेशन मिलने के बाद पोजीशन को होल्ड करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह पहली कैंडल के क्लोज प्राइस और मध्य भाग के बीच में अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए, या कहें कि गैप अप ओपन होना चाहिए। और इसके बाद यह दूसरी कैंडल जोरदार मंदी की प्रबलता प्रदर्शित करना चाहिए, और पहली कैंडल का जो लो है उसके नीचे जाकर नया लो बनाना चाहिए। और जब यह दूसरी कैंडल क्लोज हो उस समय यह दूसरी कैंडल पहली कैंडल के लो प्राइस के नीचे जाकर बंद होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरी कैंडल का क्लोज प्राइस पहली कैंडल के लो प्राइस के नीचे होना चाहिए। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न की दोनों कैंडल में वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल या दूसरी कैंडल या फिर दोनों ही कैंडल बेयरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में चार प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह चारों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है। और यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी मंदी के साथ या कहें कि गैप डाउन ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए मंदी की निरंतरता के बने रहने का संकेत होता है, या कहें कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। अभी बाजार में तेजी के आसार नहीं है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद पूर्ण रूप से बाजार में सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट 15 मिनट और हवरली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो, तो आपको बाजार में अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई बिकवाली करना है, या फिर आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाए तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कन्फर्मेशन हो जाता है। जब भाव टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती हैं। नंबर दो, दूसरी कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए। नंबर तीन, दूसरी कैंडल का क्लोज पहली कैंडल के लो प्राइस के नीचे होना चाहिए। तो चलिए अब टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स बेरिश कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं।
आपको चार्ट में मंदी के ट्रेंड में टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो, तो आपको बाजार में अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल तो गैप डाउन ओपन नहीं हुई है। तो अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद दूसरे नंबर की कैंडल टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो रही है। तो आपको इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स बेरिश कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।